चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नए हेडिंग की स्टडी करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट, स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नेम है डाइवलेज। ये एक स्पेशल टाइप का सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि रिएक्शन के अंदर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके देगा। और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अतिरिक्त लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 प्लेटिनम निकिल की प्रेजेंस में भी आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, SNHCl, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है आपने स्टडी की, लेकिन आज हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 यह भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इनसे इसका कंपेरिजन करते हुए डाइवलेज के बारे में स्टडी करेंगे। डाइवलेज इलेक्ट्रोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रिड्यूसिंग एजेंट है, मींस ये इलेक्ट्रोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 वो न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, मींस उनके पास जो भी H है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में सप्लाई होगा, मींस वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और डाइवलेज इलेक्ट्रोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे पहले और फिर डाइवलेज की स्टडी करेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म सेम है, एक की अपन स्टडी कर लेते हैं और NaBH4 की भी मैकेनिज्म उसी टाइप की है, दोनों की कैटेगरी, दोनों का जो नेचर है वो सेम है। यहां से क्या होगा, लिथियम प्लस और NaBH4- में ये कन्वर्ट होगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, जिस तरह ये रोल करता है, फिर ये NaBH4- अपने, अब यहां एल्यूमिनियम का अगर देखोगे तो एल्यूमिनियम के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन लेकर के आए, 7 और 1 उन्होंने गेन कर रखा, उधर से लिथियम का इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं, और ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अब किसको रिलीज कर देगा, H- AlH3, इसको हम क्या बोलते हैं, H- मींस हाइड्राइड, तो ये इस हाइड्राइड को रिलीज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब उसकी बात करें, डाइवलेज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और वो इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, पर पहले यह समझे डाइवल का मतलब क्या है। डाइवल का पूरा मतलब है डाई आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, AL का मतलब वही एल्यूमिनियम और इससे कौन अटैच है, हाइड्रोजन, ये इसका फुल फॉर्म है। डाइबल एच का फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका डायग्राम समझे, किस तरह डायग्राम होगा, देखिए एल्यूमिनियम, और आपको पता है एल्यूमिनियम के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते, उसने एक किसको डोनेट कर रखा, इस हाइड्रोजन को, कोवेलेंट बॉन्ड से। अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो ये यहां क्या करेगा, ऐसे ये डिजाइन कौन सी है, आइसो, और कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3, ये 1 2 3, ये 4, 4 कार्बन है, आइसो डिजाइन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटाइल, पर कितने हैं, 2, तो एक और लगाइए, ये इस तरह ये बन। आप डिटेल डायग्राम अगर आपको बनाना है तो ऐसे बना सकते हो आप, यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा
CH, और यहां क्या होगा CH2, कितने कार्बन हो गए। अब ये इससे डायरेक्ट अटैच है, मींस एक दो तीन चार, और ये यहां से इस तरह इससे डायरेक्ट अटैच होगा, ये भी उस तरह डायरेक्ट अटैच होगा, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। और कैसा आइसोब्यूटाइल? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम इस पूरे मटेरियल के अगर वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो एक इसका है, एक इसका, एक इसका, थ्री और तीन एल्यूमिनियम के, मींस इसके वैलेंसी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड में? ओनली सिक्स। कितने इलेक्ट्रॉन है? सिक्स इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो क्या चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। इट मींस ये क्या है? ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, मींस किसी से भी इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर सकता। और जब आप इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करोगे तब ये लोन पेयर को ही गेन करेगा। क्लियर? ये डाइपोल एज का डायग्राम है, और डाइपोल एज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, उसके वैलेंसी सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास आओगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो हाइड्राइड को रिलीज करता है। क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम आगे स्टडी करेंगे डाइपोल एज की। डाइपोल एज किसको रिड्यूस करेगा, किसमें रिड्यूस करेगा और किसको नहीं करेगा, पहले ये स्टडी करते हैं। तो डाइपोल एज के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, वो किसको रिड्यूस नहीं करता, वो डबल बॉन्ड के कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करता। क्लियर? हाँ, लेकिन इसके साथ कंडीशन है, डबल बॉन्ड को वो तब तक रिड्यूस नहीं करेगा जब तक लो टेम्परेचर होगा, और अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो डाइपोल एज भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए डाइपोल एज के केस में आपको टेम्परेचर मेंटेन, उसकी टर्म कंडीशन लो टेम्परेचर, मींस इतना लोअर टेम्परेचर जिसको बोलते हैं -78 डिग्री। तो डाइपोल एज कितने डिग्री टेम्परेचर पर रोल करता है? -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने रोल को प्ले करेगा। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आप उस बात का इंतजार मत करिए जिसके लिए डाइपोल एज फेमस है, फिर वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह बिहेव करने लगेगा। देखते हैं, वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, वो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, वो हेलोजन को रिड्यूस नहीं करेगा, एक्स मींस हेलोजन, वो एनो टू ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, एनो ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। अगर ईथर की बात करोगे तो वो ईथर को भी रिड्यूस नहीं करता, इतने ग्रुप से उसका कोई लेना देना नहीं। अब वो कौन से ग्रुप को रिड्यूस करता है? सबसे पहले ईस्टर को, ईस्टर को वो किस में बदलेगा? एल्डिहाइड में। सबसे पहला ईस्टर को वो बदलेगा एल्डिहाइड में। साइनाइड ग्रुप को वो बदलेगा एल्डिहाइड, लेकिन कंडीशन के साथ, लो टेम्परेचर होना चाहिए, और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट करेगा अल्फा बीटा, या ऐसा लिख लीजिए डायरेक्ट एलील अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा? एलील अल्कोहल। तो ईस्टर को किसमें कन्वर्ट करता है? वो एट लो टेम्परेचर उसकी कंडीशन के साथ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन को एल्डिहाइड है तो उसको एलील अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और इनको वो किसी भी टाइप से डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वो और भी कंपाउंड को रिड्यूस करके आपको कन्वर्जन दे सकता है, जैसे एसिड को,
एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट करेगा, उसके मोल कंट्रोल होंगे तो, और अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर देगा। इस तरह वो टर्म कंडीशन देखेंगे कि वो क्या करता है। अभी केवल हमको ये देखना है कि डाइबलेज इन तीनों को रिड्यूस करता है और इनको रिड्यूस नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आता है कि डाइबलेज की मैकेनिज्म क्या है, वो काम कैसे करता है। मैकेनिज्म ऑफ डाइबलेज, अब डाइबलेज की मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे कि वो किस तरह ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो देखिए ये ईस्टर लेते हैं CH3COCH3, कौन है ये ईस्टर? मिथाइल एसिटेट। अब डाइबलेज इससे रिएक्ट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है ये डाइबलेज। एल्यूमिनियम यह हाइड्रोजन, और इससे क्या लगे हैं ऐसे, ये इसका डायग्राफ, यहां से आप इस तरह बनाइए इसको, ऐसा कर दीजिए, यह डाइबल एज का डायग्राफ है। डाइबल एज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, उसके वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं समझा चुका हूं। तो ये क्या करेगा, मैकेनिज्म में जब इन्वॉल्व होगा तो किसकी तरह बिहेव करता है, ये तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। इट मींस ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर होगा। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर। अब इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करेगा, इस ऑक्सीजन से। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है, 2। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को शिफ्ट करेगी और कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये लुईस बेस है और वो लुईस एसिड है, तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एल्यूमिनियम को शिफ्ट होंगे, मतलब लुईस एसिड बेस का पेयर फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, तो ये लुईस बेस, लोन पेयर डोनर, किसी ने लोन पेयर किसी को डोनेट किए, तो मान के चलिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दोनों के बीच में, इस तरह फॉर्मेशन हो जाएगा CH3C। यहां सामने कौन रहेगा, OCH3। अब हम इस डाइबल एज को, ये ऑक्सीजन को नीचे लिख लेते हैं, या ऐसा ना लिखे तो आप उसको क्लियर ऐसे लिख लीजिए CH3CO। ये पाई बॉन्ड की इस पर शिफ्टिंग हुई, सामने कौन लगा है, OCH3। बड़ा सा डायग्राम बना लिया। अब ये इससे अटैच होगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर शिफ्ट किया, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये एल्यूमिना, ये इसका हाइड्रोजन अलग से लगा हुआ है, और सामने कौन है भाई, ये है, ये डाइबल एच है। और डाइबल एच में आप इस ज्योमेट्री को जब देखोगे तो ये पाई बॉन्ड की इधर शिफ्टिंग हुई, इसने इसको लोन पेयर शिफ्ट किया एल्यूमिनियम को, क्योंकि एल्यूमिनियम की टेंडेंसी हो लोन पेयर गेनर, लुईस एसिड की तरह भी है करेगा। अब क्या होगा कि ये जब इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आएगी, और ये कहीं इधर से लेगा, और ये यहां से क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिले तो अब एल्यूमिनियम किसको रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पर। देखते क्या होगा अगली स्टेप, ये एल्यूमिनियम से आके डाइबल का एच इस कार्बन पर आ गया, ऑक्सीजन इस तरह डायग्राम हो जाएगा CH3CO, इससे कौन अटैच है, एल्यूमिनियम, और इधर कौन है, ये डाइबल, ये डबल बॉन्ड। अब यहां सामने कौन है इसके, OCH3, और यहां कौन आ चुका है,
ये डाइपोल एच का हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी को, 1, 2, 3, 4, इट मींस ये ज्योमेट्री क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, और ये ज्योमेट्री स्टेबल होगी क्योंकि लोन पेयर लुबिस एसिड बेस का पेयर है, और ये ज्योमेट्री जितनी ज्यादा स्टेबल होगी मैकेनिज्म उतनी इजी होगी। हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस किससे करें हम, वाटर से या ऑक्सीजन के लोन पे है। अब यहां पर क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, हो गया ब्रेक, ये CH3CHO, ये तो अपना बना एल्डिहाइड CH3CHO, ये वाला पोर्शन इधर आ गया, कन्वर्जन हो गया। इसने क्या रिलीज किया था, इसने इस रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए किसको सप्लाई किया था, हाइड्रोजन को, ये अपना डाइपोल वापस हाइड्रोजन ले जाएगा। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन वापस डाइपोल पे चला जाएगा, और ये जो OH है या एक इसका हाइड्रोजन कहां अटैच हो जाएगा, या ये एक हाइड्रोजन, ये पहले ब्रेक हुआ CH3CHO इधर आ गया, अब यहां से एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो गया, ये मिथाइल अल्कोहल के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, डाइपोल एज का रोल खत्म। तो इस तरह इसकी मैकेनिज्म है, एक बार फिर से समझिए, फिर से ट्राई करिए। डाइपोल एज एक्ट एज लुबिस एसिड क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और ईस्टर जिसकी आप मैकेनिज्म रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं कि ईस्टर को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, वो ईस्टर का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये अपने लोन पेयर एल्यूमिनियम पर शिफ्ट करेगा और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये डाइपोल एज का एज इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, और यहां से हाइड्रोलिसिस के थ्रू ब्रेकिंग होगी, इसको एच मिलेगा, ये CH3OH, ये एच इस पर है, यहां डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ये यहां से डाइपोल एज ब्रेक हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3OH बनेगा, डाइपोल एज का काम करेगा। और इस तरह डाइपोल एज एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो ईस्टर को केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके देगा, लेकिन आप फेमस है, आप पढ़ चुके हो, अगर ईस्टर को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो ईस्टर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एक तो इसमें फॉर्मेशन हुआ ही सही, ये भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, मीन्स दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करके देता है। लेकिन डाइपोल एज 1 equivalent mole, 1 equivalent mass डाइपोल एज का -78 degree टेम्परेचर, इसकी कंडीशन है 1 equivalent mole, 1 equivalent mass डाइपोल एज का -78 degree सेंटीग्रेड पर ईस्टर को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड। और बाय द वे आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये फिर इसको अगली स्टेप में यूज करेगा और इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने आपको समझाया लो टेम्परेचर पर ही डाइपोल एज की रिएक्शन पॉसिबल है, अगर आपने टेम्परेचर को हाई किया तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह रोल करने लगेगा। क्लियर, ये इसकी मैकेनिज्म हुई। अब डाइपोल एज में जो इसकी कुछ एग्जांपल्स है कि ये कौन से कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करता है वो हम देखेंगे, और इसकी अलग अलग जो कंपाउंड को ये कन्वर्ट करता है मैकेनिज्म एंड हुई, कन्वर्जन के बाद हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन से कंपाउंड को कन्वर्जन करता है। पहला सिंपल सा एग्जांपल लेंगे CH3COOCH3, अभी आपने इसको यूज किया 1 equivalent dipole H, कितना लेंगे। अच्छा दूसरी चीज, डाइपोल एज
सॉल्वेंट के अंदर रोल करता है, क्योंकि जब जेई मेंस का एग्जाम होता है, एडवांस के एग्जाम होते हैं, तो ऐसा लिखने के साथ साथ इसमें कुछ सॉल्वेंट को भी यूज करते हैं। तो सॉल्वेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं सुन लीजिए, नॉर्मल हेक्सेन को यूज कर सकते हैं, टॉलुइन को यूज कर सकते हैं, ज़ाइलीन को यूज कर सकते हैं, टीएचएफ को यूज कर सकते हैं, इतने सारे सॉल्वेंट इसके रिएक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिया, वन मोल ऑफ वन इक्विवेलेंट डाइपर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को आपको लो रखना पड़ेगा, और यहां पर ये किस में कन्वर्जन करेगा, सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एच थ्री। तो इस साइड हमको क्या लेना पड़ेगा, सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच टू सी एच थ्री। देखिए ये कीटोन था, कार्बोनिल कंपाउंड था, इसको किसमें कन्वर्ट किया उसने, अल्कोहल में। ये डाइपोल एज की प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप इसको क्या ले लें, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच एल्डिहाइड को लिया, तो ये पहले ये देखो कि एल्डिहाइड है कौन, ये सिनेमिक एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है, सिनेमिक एल्डिहाइड, और सिनेमिक एल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये मेन कार्बन, ये अल्फा ये बीटा, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और ये पर्किंस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, आपको ध्यान हो तो। जब हम बेंजाल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट से रिएक्ट करते हैं उसकी प्रेजेंसी में, तो हमको ये ऑब्टेन होता था प्रोडक्ट, जिसको बोलते थे हम सिनेमिक एल्डिहाइड। ये सिनेमिक एल्डिहाइड को एलिल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये आया वन इक्विवेलेंट डाइपल ज़ाइलीन, यहां सॉल्वेंट होगा, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, क्या डायग्राम बनाता है, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू और एच, इसको बोलते हैं एलिल अल्कोहल, क्योंकि इसमें एलिल ग्रुप है, और एलिल ग्रुप में समझिए किसको बोलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड है, ये ओएच ग्रुप, ये एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड होता, उस ग्रुप को बोलते हैं एलिल ग्रुप, तो इसमें एलाइल ग्रुप है, इसलिए ये बना एलाइल अल्कोहल। ये कब का केस है, जब वन इक्विवेलेंट डाइपल यूज करोगे ज़ाइलीन सॉल्वेंट की प्रेजेंसी में, टेम्परेचर होगा लो, तो ये एल्डिहाइड को किसमें बदलेगा, अल्कोहल में। अब समस्या ये आती है कि अगर मान लीजिए आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज कर लिया, किसको यूज कर लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज कर लिया, तो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट है, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फिनाइल ग्रुप वाले से अटैच हो, मतलब यहां कौन सा ग्रुप होना चाहिए, फिनाइल, मिथाइल होगा तो फिर नहीं होगा, यहां फिनाइल ग्रुप है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये सी एच टू, ये डबल बॉन्ड को भी उसने रिड्यूस कर दिया, सी एच टू सी एच टू और एच, ये वन डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन करेगा। तो ये डाइपोल एज और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन का डिफरेंस है। अगली रिएक्शन, जब आप बेंजोइक एसिड की बात करें, आप किसकी बात करेंगे, हम बेंजोइक एसिड की, ये बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड में डाइपोल एज के कितने इक्विवेलेंट मोल हैं, थ्री इक्विवेलेंट मोल। आप
आई बल एच, और कोई सॉल्वेंट यूज करें, सॉल्वेंट आप ज़ाइलिन यूज कर सकते हो या हेक्सेन को यूज कर सकते हो। नॉर्मल हेक्सेन को आप यूज कर सकते हो, और ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर, प्लस 60 डिग्री टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डाइबल एच अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा। अदरवाइज मैंने स्टार्टिंग में जो तीन रिएक्शन बताई है उसकी, कि वो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन को एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये लो टेम्परेचर की कंडीशन है। यहाँ टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, बेंजोइक एसिड के साथ आपने 3 मोल डाइबल एच के यूज कर लिए, ये बना देगा बेंजाइल अल्कोहल। इसमें कन्वर्ट कर देगा इसको बेंजाइल अल्कोहल, ये कम कंडीशन वाले डाइबल एच की रिएक्शन। दूसरा देखते हैं, अगर आप इस तरह ये सी डबल ओ ओ, यहां पर आपने ईस्टर ग्रुप के साथ ये मिथाइल बेंजोएट को यूज किया, और मिथाइल बेंजोएट के साथ आपने कितने मोल, कितने इक्विवेलेंट मोल यूज किए, 3 इक्विवेलेंट मोल। किसको यूज किया, डाइबल एच, उसके 3 इक्विवेलेंट मोल लिए, 3 इक्विवेलेंट मास को यूज किया। ज़ाइलिन इसमें आपने सॉल्वेंट लिया, तो ये किसमें कन्वर्ट करेगा, समझिए ये CH2 CH2 OH, कहां से उसने कन्वर्जन किया, इस ईस्टर ग्रुप को उसने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। मींस डाइबल एच ने वो प्रॉपर्टी नहीं दी जो हम स्टार्टिंग में स्टडी कर चुके हैं। उसने ईस्टर को किस में कन्वर्ट करा था, उसने ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था। और यहां क्या किया, जब हमने टर्म कंडीशन को चेंज किया, 3 मोल लिए डाइबल एच के और ज़ाइलिन सॉल्वेंट की प्रेजेंसी में, और टेम्परेचर कितना कर दिया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया। तो ऐसे केस में ये ईस्टर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजाइल के मतलब अल्कोहल में, जिसको आप बोलते हैं 1 डिग्री। क्लियर, अब ये एल्डिहाइड में कन्वर्जन नहीं देगा। अगला, अगर आपने बेंजोइक एसिड लिया, फिर से ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में आपने कितने मोल यूज किए, 2 इक्विवेलेंट मोल ज़ाइलिन के साथ यूज किए, और टेम्परेचर क्या रखा, -78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मान के चलिए कि अब डाइबल एच अपना काम करेगा, और क्या करके देगा आपको, बेंजोइक एसिड को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आपने उसके 2 मोल यूज किए, और इसके पहले के रिएक्शन से कंपैरिजन करिए, 3 मोल लिखे थे, टेम्परेचर हाई था, तब उसने बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन किया था। ये दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है। अब मान लीजिए अगर आप ईस्टर लेते हैं, ये सारी कंडीशन लो टेम्परेचर की है, लो टेम्परेचर पर अलग रिएक्शन देता, हाई टेम्परेचर पर अलग देगा। जैसे ये ईस्टर है, वही पहले रिएक्शन है, लेकिन आपने यहां पर ईस्टर के साथ कितना यूज किया, 1 इक्विवेलेंट मोल, 1 मोल आपने डाइबल एच को यूज किया, और ज़ाइलिन सॉल्वेंट है, पीएचए नॉर्मल हेक्सेन आप कुछ भी ले सकते हो, टेम्परेचर कितना है, -78 डिग्री। अब डाइबल एच अपना रोल करेगा, और क्या करेगा, ईस्टर को, ईस्टर को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्जन देगा, इस ग्रुप पे लाके क्या लगा देगा, एच, इसको ब्रेक कर देगा, जो मैकेनिज्म में हमने स्टडी की। और अदरवाइज आप यहाँ 3 मोल आपने अभी यूज किए थे इसके पहले, तो ईस्टर को फिर वो अल्कोहल में कन्वर्जन देता है, जो आपको मैंने ले। एक
अगली रिएक्शन है इस तरह एक कंपाउंड होता है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ऑक्सीजन है और यहां एस्टर है, ये कोई कंपाउंड है, इसको बोलते हैं लैक्टोन, क्या बोलेंगे इसको, लैक्टोन्स, ओ एन ई एस, लैक्टोन्स बोलते हैं। अब जब आप इसके साथ वन इक्विवेलेंट मोल डाइबल एच को यूज करोगे और -78 डिग्री सेंटीग्रेड किसी सॉल्वेंट के साथ, तो ये आपको बना के देगा, ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और इस वाले टर्मिनल को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, जैसा मैकेनिज्म में आपको फिर से लिख के समझा, CH3 COO, ये CH3। जब डाइबल एज लोअर टेम्परेचर मीन्स -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी सॉल्वेंट जाइलीन के साथ वन इक्विवेलेंट मास, वन इक्विवेलेंट मोल डाइबल एज को जब आप यूज करते हो, तो देखो रिएक्शन क्या होगी, ये वाले पोर्शन पे क्या आके लगता है, तो ये वाला एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और यहाँ क्या आके लग जाता है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ऐसा ये हो जाएगा, ये वाले पोर्शन पे क्या आके लग जाएगा एच, ये यहां से ब्रेक होगा, यहाँ क्या लग जाएगा एच, रिएक्शन खत्म। तो ये वाला पोर्शन कैसा बदला, एल्डिहाइड, और ये वाला टर्मिनल कैसा बदल गया, अल्कोहल, और बीच में से ब्रेक हो जाएगा। बना सकते हो आप डायग्राम, वो डायग्राम आप बना सकते हो, ऐसे बना लीजिए, ये 6 कार्बन, ये यहां पर क्या लग जाएगा OH, और यहां पर क्या लग गया एल्डिहाइड, रिएक्शन खत्म। तो ये साइक्लिक कंपाउंड को देख करके टेंशन में मत आइए कि इसका क्या होगा, इसका वही होता है जो यहां होता है, यहां भी यही हुआ था, इससे एच अटैच हुआ, इससे भी एच अटैच, सेंटर से ब्रेक हो गया, वही वहां भी वो मैंने किया, तो इस तरह। अब अगली रिएक्शन इसमें है कि अगर आप साइनाइड को ले, तो साइनाइड को भी डाइबल एच टेम्परेचर के बेस पर, टेम्परेचर के बेस पर, हां ध्यान रखिए डाइबल एच ओनली -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना रिक्वायर्ड रोल प्ले करता है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अपना रोल बदल देता है। तो यहां पर एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं, ये यहां क्या लिखते हैं, ओ, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये THF है, जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और इसके पास यहां साइनाइड लगा लें, 1 और 2, तो यहां से कार्बन काउंट करते हैं इसमें, ध्यान रखिए IUPAC सिस्टम में ऑक्सीजन से कार्बन काउंट होते, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर से भी जा सकते हैं, तो इसका नाम क्या है, 3-4 डाइसाइनो या डाइसाइनो, 3-4 डाइसाइनो THR, ये नाम बना। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है वो ध्यान रखिए, जब आप इसमें कितने मोल, 2 मोल डाइबल एच को यूज करेंगे और जाइलिन सॉल्वेंट -78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, साइनाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, डायग्राम बना लीजिए इस तरह, ये ऑक्सीजन, क्या डबल बॉन्ड था, ये बच जाएगा CHO और ये भी बच जाएगा CHO, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्जन करेगा, ये रिएक्शन को याद रखिए, लेकिन 2 मोल्स है। इस तरह ये डाइबल एज की बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। अब हम उस लिस्ट को डिजाइन करेंगे जिस टर्म कंडीशन में डाइबल एच रोल करता है, तो उस लिस्ट को आप याद रखिए, उस लिस्ट को याद रखने से आपकी
जेई मेंस, और शायद कभी कभी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे लिस्ट याद रखें? देख, लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि डाइपल एज, अच्छा एक कंडीशन और है, अभी आपने यहां देखा साइनाइड को, साइनाइड के 2 मोल को -78 डिग्री पर लिया तो डाइपल एज साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यही डाइपल एज साइनाइड को अमीन में भी कन्वर्ट कर सकता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। तो ये दोनों अलग अलग है। अब हम इसकी लिस्ट को डिजाइन करेंगे, यहां कॉलम बना के लिखेंगे, ये 1 नंबर, यहां हम उस ग्रुप की बात करेंगे जिसमें वो कन्वर्जन करता है, दूसरी चीज यहां ये बात करेंगे कि उसके कितने मोल लगेंगे, डाइपल एज के कितने मोल लगेंगे, और यहां पर लिखेंगे उसके टेम्परेचर की कंडीशन कि हाई टेम्परेचर होगा तब क्या करेगा, लो टेम्परेचर होगा तब क्या करेगा। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे, ये पहला नंबर एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। नंबर 1, एल्डिहाइड को वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है तब उसके मोल कितने लगते हैं, 1 इक्विवेलेंट मास, और टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर, इसका मतलब -78 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, रूम टेम्परेचर हायर होता है। तो एल्डिहाइड को ये किसमें कन्वर्जन करता है, डाइपल एज, ये डाइपल एज की रिएक्शन है, डाइपल एज एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा यदि आप 1 मोल किसी सॉल्वेंट के साथ यूज करते हैं लेकिन टेम्परेचर हाई है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। दूसरा, सेकंड, RCOOR, ईस्टर को ये किसमें कन्वर्जन करेगा, RCHROH, मींस ये ईस्टर को कौन से अल्कोहल में कन्वर्ट किया इसने, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन किया, मींस ये कंडीशन आपने कुछ और अप्लाई किए, ना तो यहां लो टेम्परेचर है, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर होता तो डाइपल एज ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्जन करता, लेकिन यहां टेम्परेचर की कंडीशन क्या, और कितने मोल है, 1 मोल डाइपल, बट हाई टेम्परेचर, मींस रूम टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर आप कर सकते हैं। तीसरा, RCOOH, डाइपल एज एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन करेगा, एसिड को कन्वर्जन करेगा बट 1 डिग्री, कितने मोल से, 3 मोल आप जब यूज करें, और टेम्परेचर कैसा रखे, हाई, अगर आपने लो टेम्परेचर रखा और एसिड को लिया तो डाइपल एच उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, अगर आपने 3 मोल यूज किए और हाई टेम्परेचर रखा तो फिर वो 1 डिग्री अल्कोहल में उसको कन्वर्ट करेगा। नंबर 4, चौथे नंबर पर लिखिए RCOOR, ये ईस्टर है, ईस्टर को ये किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में, जबकि अभी आपने स्टडी की डाइबल एच ईस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता, लेकिन यहां टर्म कंडीशन हाई टेम्परेचर की है, तो कितने मोल है, 3 to 4 मोल, और टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है। तो ये चारों लिस्टेड आप करिए और इसमें समझिए कि जब आप 1 मोल 1 मोल 3 मोल 3 to 4 मोल यूज करते हो और उसकी डाइपल एज की कंडीशन अप्लाई नहीं करते हो तो ये कंपाउंड ईस्टर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एसिड भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ईस्टर 2 डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर 1 मोल यूज करेंगे तो ये कौन से डिग्री अल्कोहल में जाएगा, ईस्टर 1 मोल के कंसेप्ट में 2 डिग्री अल्कोहल में जाएगा,
हाई टेम्परेचर पर, और ईस्टर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा 3:2 मोल अगर आपने यूज किए। अब यहां पर लिस्ट बदलेंगे, आपने इसको नोट किया होगा। अब यहां से लिस्ट बदलेंगे, लिस्ट बदलेगी तो लो टेम्परेचर की कंडीशन हम यूज करेंगे। अब टेम्परेचर कैसा आएगा, लो टेम्परेचर मतलब डाइबल एज लो टेम्परेचर पर ही अपनी एक्शन करता है, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह रोल करने लगता है। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है वो सब कर देगा। तो चलिए अब पांचवें नंबर पे लिखेंगे RCOOH, ये एसिड ग्रुप है। एसिड ग्रुप को ये किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। क्लियर, किसी भी एसिड को चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, एसिड को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। लेकिन कितने मोल होंगे इसके, 2 मोल, और टेम्परेचर क्या होगा, लो। कितना, ये टेम्परेचर की उसकी कंडीशन। तो जब एसिड से आप रिएक्ट करोगे तो वो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 मोल उसके यूज होंगे। नंबर 6 नंबर पे है वही RCOOR, ये फिर ईस्टर की बात की उसने, ईस्टर को किसमें कन्वर्जन करेगा, वो एल्डिहाइड में। कितने मोल से, 1 मोल से, जो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में समझा है, और कंडीशन यही होगी। अगला, अगर आप साइनाइड को लेते हैं तो साइनाइड को ये किसमें कन्वर्ट करेगा, साइनाइड को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन कम कंडीशन क्या है, 1 मोल इसके यूज होंगे, और कंडीशन यही है लो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आपने लोअर रखा या हायर रखा, बट आपने साइनाइड के साथ क्या कर दिया, ये साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन मोल कितने ले लिया आपने, 2 मोल। टेम्परेचर चाहे लोअर रखो चाहे हाई रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डाइबल एज की टर्म कंडीशन वाली रिएक्शन से इस चार्ट को जो मैंने बनाया है इसको आप याद रखिए, और डाइबल एज के बारे में जो जो बातें समझाई उनको केयरफुली अपनी फेयर नोटबुक में नोट करिए। ये जेई मेंस और एडवांस लेवल तक के इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज के वीडियो में इतना, बहुत अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी स्पेशल कंसेप्ट के साथ, किसी स्पेशल हेडिंग के साथ। बाय, ओके, सी यू।